भाई अलबेग जो है ना बिल्लियों को भी इतना अच्छा लग रहा है, ये भी खाने आओ। चले भाई भाईजान 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 अलबेग 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 भाईजान, इसके अंदर ना फुल खजाना आ चुका है हमारा, अलबेग का खजाना। और अल्लाह करे चोरी ना हो जाए यार बस। अबे अबे आग लग जाएगी रेस्टोरेंट में। ये देखो कितना बड़ा बड़ा पराठा है मामा यार। ओए होए काजू बादाम पिस्ते क्या क्या इसके अंदर भाई। हाँ भाई मुँह में पानी आ रहा है। किसी ने देखा तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, कैसे हैं आप लोग। भाई आपका भाई बन चुका है फुल अरबी। मदीना में हमें दो दिन हो चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही मजे मजे के खाने, तो आज मैंने सोचा है कि आज हम आपको कराते हैं यहाँ पर नाश्ता। आपको भी कराते हैं, हम भी करते हैं, आप ऑनलाइन करेंगे, हम लोग फिजिकल नाश्ता करेंगे। तो भाई यहाँ का बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है अल दीवान अल यमनी, और ये हमारे ही दोस्त का है माशाल्लाह से। तो मैंने सोचा कि आज नाश्ता करूँ तो आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर क्या क्या आइटम होते हैं, अरबी लोग कैसे नाश्ता करते हैं। तो थोड़ा सा अंदर अरबियों का माहौल आपको दिखाता हूँ। हमारे साथ मौजूद बाबर भाई। बाबर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब बन गए आप जी। आपको पता है जैसा देश वैसा बेहतर। अरबी आती है। كيف حالك انت بخير انت بخير انت بخير خير ماذا ماذا मैं ठीक हूं और आप मैं ठीक हूँ। नाश्ता करूँ? मैं ठीक हूँ। आखिर में नुन नुन लगा दे। नुन 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 हूँ। नाश्ता करूँ? हाँ। तुम मेरे साथ आऊ? क्या खाऊं अंदर, क्या खाऊं अंदर? अरबी और यमनी खाने हैं, तो आप आए आपको अरबी और यमनी खाना दिखाते हैं। अरे क्या बात है भाई, अरबी खाने भी हैं और यमनी खाने भी हैं, लेकिन अभी नाश्ते का टाइम है तो हम नाश्ता करेंगे। चले बाबर भाई। सलाम अलैकुम। अरबी كيف حال انت بخير माशाल्लाह माशाल्लाह كيف صحتك كل شيء تمام माशाल्लाह जयद जयद जयद। भाई थोड़ी बहुत अरबी हमें भी आती है, तो हम भी थोड़ी सी अपनी ना अरबी को पॉलिश कर रहे हैं अभी। भाई जान कितने बड़े साइज के केले हैं भाई ये, और साफ सुथरे अरबियों के केले देखो माशाल्लाह बड़े बड़े यार हैं बाबर भाई, और साफ सुथरे भी हैं बिल्कुल। भाई ये देखो हाथ है मेरा और ये केला है। चमकते दमकते सितारे, क्या बात है भाई। हम लोग अंदर आ चुके हैं डायरेक्ट किचन के अंदर, और चेक करें यहाँ पर अलग ही माहौल चल रहा है। ओए होए ओए होए ओए होए फुल आग लगा रहा है लड़का, आग लगा रहा है। माहाजा या अखी माहाजा चिकन बर्री चिकन। अच्छा भाई नाम भी अलग अलग है यहाँ पर, चिकन बर्री। भाई आप लोग ये देखें, ये अलग ही कोई लेवल की चीज लग रही है, पता नहीं क्या इतना बड़ा मटका है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है हलीम घोटने का सीन है। भंड मार दिया। किसी ने देखा तो नहीं ना कुछ। बस सही है, फिर सही है यार। बाबर भाई जब से आप शेख बने हो आपकी शक्ल यूँ हो गई गुस्से वाली, क्यों? शेख बनने के बाद गुस्सा क्यों आ गया? ये देखो ये भी हंस रहा है भाई, हंस रहा है। जब से शेख बना नहीं हो गया, पहले हंस रहे थे, जब से शेख बने ये वाला हो गया। अरे भाई 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 बस 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 बस, अबे आग लग जाएगी यार, आग लग जाएगी। अबे अबे आग लग जाएगी रेस्टोरेंट में। अना अना मिन पाकिस्तान انت عربي اين تسكن اصلي من اليمن اصلي من اليمن ما شاء الله من اين في يمن دايز भाई माशाल्लाह से खाना आ चुका है, और इसका नाम तो मुझे नहीं पता अभी, मैं नाम पूछता हूँ इनसे क्या नाम है, लेकिन जो भी है देखने में बड़ा मज़ेदार लग रहा है। और मेरे ख्याल से ये बीफ का है और ये चिकन का है, लेकिन आप रोटियाँ चेक करें कितनी बड़ी बड़ी रोटियाँ हैं। ये देखो ओए वो डिज़ाइन भी बना हुआ है, कोई परिंदा टाइप बना हुआ है ना कुछ, मुझे तो परिंदा ही लग रहा है। तो भाई ये मेरे ख्याल से वो भी आ चुका है, यखनी भी आ चुकी है। भाई ये देखे थंबनेल ऐसे लेते हैं, ये यूँ करके हाथ ये करके ले लें। अच्छा मैं आपको बताऊँ रेस्टोरेंट के ऑनर कौन है, ये हमारे भाई मोहम्मद भाई, ये परसों से हमारे साथ हैं, और सुबह सुबह उठा देते हैं हमें, हम लोग गालियां देते हुए सुबह उठते हैं, बोलते हैं मदीना में सो रहे हो, आके सो रहे हो। मैं सोया फजर के बाद, एक घंटे बाद आके उठा दिया, बोला चलो भाई नाश्ते पे चलो। हैं भाई सोने कब देंगे यार, मक्का जाके सोएंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अरबिक डिश हैं, तो हम चेक करते हैं कि अरबी खाने कैसे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी खाने तो खाते रहते हैं, बिरयानी कौरमा पाए निहारी तो खाते रहते हैं, लेकिन आज हम खाते हैं अरबिक डिश। अच्छा भाई ये क्या है? ये चिकन मुगलगल है। चिकन मुगलगल माशाल्लाह, मुगलगल मुगलगल चिकन मुगलगल जी। और ये कलेजी है। ये कलेजी मुगलगल, इसको भी मुगलगल कहेंगे। अच्छा कलेजी मुगलगल चिकन मुगलगल। और ये क्या है? ये अंडा घोटाला। अंडा घोटाला ये क्या है? अरीका स्पेशल। अरीका स्पेशल जबरदस्त। और ये बड़े बड़े पराठे, ओए होए माशाल्लाह। तो शेख साहब हमारे सामने अरबिक डिश आ चुकी है माशाल्लाह से, और अजीब अजीब नाम है इनके भाई, बिल्कुल ही डिफरेंट नाम है। ये देखें ये है मुगलगल, चिकन मुगलगल, बोला भी नहीं जा रहा, चिकन मुगलगल गैन गैन के साथ बोले तलफ्फुज़ के साथ। ये क्या है? ये है कलेजी मुगलगल, कलेजी मुगलगल। ये है फलाफिल,
फलाफिल है, ये देखिए फलाफिल है, फलाफिल। और ये हमारे सामने बड़े बड़े पराठे, भाई इन्होंने तो पठानों को पीछे छोड़ दिया, हमारे पठान भाई ना बहुत बड़े बड़े पराठे बनाते हैं, यहाँ तो उससे भी बड़े पराठे, ये चेक करो, ये देखो कितना बड़ा बड़ा पराठा है मामा यार। और ये है सबसे स्पेशल आइटम, इसका क्या नाम है भाई? अरीका स्पेशल। इसके अंदर काजू, बादाम, पिस्ते, क्या क्या नजर आ रहा है, ये तो मैं खाऊंगा भाई। खत्म होने के बाद तो भाई माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त आइटम आ चुके हैं। अंडा घोटाला रहती है अब। हाँ, अंडा घोटाला हमारे सामने। अंडा घोटाला तो हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन यहाँ का डिफरेंट लग रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन भाई असल चीज ये है कि खाकर चेक करेंगे कि टेस्ट कैसा है। हो सकता है देखने में अच्छा लग रहा हो, टेस्ट बिल्कुल फारिग हो, ये भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। और अब जो है ना, सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं? चिकन मुगलगल, चिकन मुगलगल, माशाल्लाह। ये टेस्ट मुझे समझ नहीं आया, दोबारा चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन ये थोड़ा स्पाइसी है, जैसे अरेबिक खाने होते ना बिल्कुल नॉन स्पाइसी, वो नहीं है, स्पाइसी है। कलेजी मुगलगल तवे पे भुना हुआ। यार ये मजेदार है, ये बहुत मजेदार है, ये बहुत मजेदार है, ये तो पास है सर, पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई ये बहुत ही स्पेशल आइटम लग रहा है। ओए होए, काजू, बादाम, पिस्ते, क्या क्या इसके अंदर भाई। नीचे क्रीम भी है, क्रीम भी है, ये चेक करो। हाँ भाई, मुंह में पानी आ रहा है, आ रहा होगा। इसके अंदर पता है आपको ना काफ़ी ज़्यादा अमीरों वाली फीलिंग आ रही है। इसके अंदर जो चीज़ें डली हुई है ना, सारी की सारी बहुत ही मतलब महंगी चीज़ें डली हुई हैं। कल मिलते हैं, सही है? चले बाबर भाई, बहुत वीडियो हो गई, फोड़म फाड़ी स्टार्ट करें हम। ये सब आप खा लें, लेकिन ये मुझे दे दें बस, आप ये डील बना लें बस मुझसे, दोस्ती खत्म कर दें, लेकिन ये जो है ना मुझे दे दें आप। फोड़म फाड़ी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी है, पूरी रात के हम भूखे बैठे हैं भाई। हम तो समझ रहे थे सिर्फ पाकिस्तान में लुंडा बाजार होता है, यहाँ तो अरब में भी है भाई, फुल लुंडा बाजार चल रहा है, लुंडे के कपड़े है, लुंडे के, पूरी दुनिया में लुंडा बाजार है। अच्छा, मैं तो समझा यार हमारी तरफ होता है जुम्मा बाजार, इतवार बाजार, बुध बाजार। चल याखी, अलवक्त कलील या शेख, लुंडा बाजार, माशाल्लाह माशाल्लाह, लुंडा बाजार। अभिषेक, आप पाकिस्तान से आया, आपको हम लुंडा बाजार। अभिषेक बच्चन आपको हम लुंडा बाजार की सैर कराएं। लुंडा बाजार की सैर करते हैं भाई। ये देखे, चेक करें, फुल लुंडा बाजार चल रहा है, सेकंड हैंड चीजें मेरे ख्याल से हैं। फुल ऐसा लग रहा है सोने की प्यालियां। अरे भाई, फुल तलवारें रखी हुई है, खतरनाक किस्म की। ओए होए, अबे ये चेक करो, ये कितनी बड़ी तलवार है, तलवार देखो, अबे गन है, अबे मुझे लगा तलवार है। ये देखे अंदर से बंदूक निकली, ओए होए, पूरी शॉर्ट गन है ये, फुल भरम से। धारी वारी है इसमें? नहीं है, नहीं मेरे ख्याल से इसकी धारी नहीं भरी हुई, क्योंकि इसकी धारी ना बनवानी पड़ती है बाद में, तलवार ऐसी रॉ आती है उसके बाद धारी बनती है उसकी। के पूछते हैं क्या रेट्स हैं। हाँ कम, 50 रियाल। भाई हम लोग आ चुके हैं आज के दिन मदीना का सबसे मशहूर, बल्कि पूरे सऊदीया का सबसे मशहूर फूड है अलबेक। भाई मैं जब जा रहा था ना उमरे पे, सबने कहा यार लाजमी अलबेक ट्राई करना। अच्छा ये बताएं, अलबेक आप कहीं भी जाएं टेस्ट एक ही मिलेगा या डिफरेंट डिफरेंट होता है? पूरी दुनिया में जहां भी अलबेक खुला हुआ सबका टेस्ट एक ही स्टैंडर्ड, एक ही है। और यहां का क्या मशहूर है सबसे ज्यादा? ब्रोस्ट। ब्रोस्ट सॉसी ब्रोस्ट, मतलब KFC की तरह थोड़ा। ये KFC कुछ नहीं है इसके आगे, कुछ भी नहीं है, नहीं करें। लेकिन आप चेक करें, अभी भी काफी ज्यादा रश है, अंदर लाइनें लगी हैं, फुल ठक्का टक खचा खच भरी हुई लाइन। भाई यहाँ के मुकामी लोग ना बहुत बड़े बड़े चैलेंज करते हैं, बोलते हैं अगर साइड में KFC रख दो और एक तरफ अलबेक रख दो तो हम अलबेक को चूज करेंगे। तो भाई बड़े दावे हो गए, अब चेक करते हैं कि जो बड़े बड़े दावे हैं इसके हिसाब से टेस्ट है भी या नहीं है। कई बार ऐसा होता है बहुत बड़ा नाम होता है लेकिन अंदर से खाना बिल्कुल सोसो होता है ना। ओहो भाई, फड्डा हो रहा है, फड्डा हो रहा है भाई, फड्डा हो रहा है, बाहर भाई फड्डा हो रहा है क्या? हाँ मैं तो भागता आया, मैंने कहा फड्डा हो गया यहाँ पर। अच्छा भाई सीन ये है कि यहाँ पर जो है ना डाइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, डाइनिंग कुछ भी नहीं है, बस आप ऑर्डर लें और जाएं, बस ये सीन है। ये छोटा सा एरिया ऐसे बनाया हुआ है लेकिन डाइनिंग यहाँ पर नहीं है। यार पैसे भी ना यहाँ पर कम है, इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। देखें 8.5 रियाल का ये बर्गर है, और ये देखें ये भी 8.5 का है, ये पैसे वैसे सारे लिखे हुए 12 रियाल का, ये 12 रियाल का पूरा जो है ना प्लेटर है। क्या नंबर मिला है हमें? 243 हमें मिला है। और अभी क्या चल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, 11:30 हो रहे हैं इस वक्त, इतना रश हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ नंबर चल कौन सा है, वो देखो भाई 188 चल रहा है और हमारा है 243 है हमारा। भाई बहुत टाइम है अभी भी, माशाल्लाह, या मरहबा या मरहबा, ओए होए। ये देखो ये भाई भी फुल भूखे लग रहे हैं। लेने आए हो आप? भी पाकिस्तानी हो क्या? इंडियन हो? इंडियन हो आप? कहाँ से हो? राजस्थान। राजस्थान, अच्छा। अलबेक कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, मजे का लगता है, चस आती है खाने में, चस आती है, चस मजे का लगता है। हाँ वो समझ रहे हैं, चर्स नहीं, चस है, चर्स नहीं बोल रहा, चर्स, चस बोल रहा, चस। तनवीर भाई आप तो मेरे ख्याल से डाइटिंग पे है ना?
आप तो नहीं खाएंगे मेरे ख्याल से, सही है? आप भी डाइटिंग में? और भाई आपका वेट बढ़ रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, तो आप पहाड़ पे चढ़ाओ, मेरे को डाइटिंग करनी है। देखा आपने मेरी फिटनेस का, देखा यार? देखो असल में सीन ये है ना कि भाई चार ब्रोस तो मेरे डन हो गए, सही है? सही है, चार मेरे हो गए। आप तो नहीं खाओगे मेरे ख्याल से, डाइटिंग पे हो। हम अच्छा मजाक था, कैमरे में देखे आधे ला देंगे। कैमरे में का कैमरा है नहीं यहाँ पर, यहाँ तो सिर्फ बत्तख नजर आ रही है। ये बत्तख थोड़ी है भाई, ये बाबर भाई कह रहे थे अभी बत्तख है, लेकिन ये चिकन है। और मुस्कुरा के बोलिए आओ खाओ हमें भाई। जुनैद अकरम के सऊदी वर्जन खड़े में माशाल्लाह से। बाबर भाई और सख्त शक्ल बनाए और सांस रोके अपनी, आप भी सांस रोके अपनी, दोनों ने सांस रोके यूं मुस्कुराते हुए। आप पिक्चर यूं ले वो अरबी से कैसे शक्ल बनाई थी बना के दिखाए ना जरा यार एक दफा बस। हाँ ये गुस्से से भाई, यहाँ पर लोग अलबेक इतने शौक से खाते हैं, ये चेक करें आप, पूरा कार्टन भर के जा रहा है। चलो भाई नंबर आ गया 243। नाम खमसा ब्रोस, पांच ब्रोस, पांच ब्रोस, मजे मजे का फुल। कहाँ के हो? पाकिस्तान, इंडिया? हाँ बांग्लादेश के हो? गार्लिक सॉस ज्यादा, गार्लिक सही है, मजा मजा मजा। सूडानी? नाम अनाम इन पाकिस्तान, कश्मीर ना ला ला, कराती सी, कराती सी। कैफा अलबेक? कैफा मियाँ मियाँ मजेगा भाई। ये बोल रहा है चैनल सब्सक्राइब, भाई आप लोग भी सब्सक्राइब कर दे, मैं इसका भी कर देता हूँ, सही है भाई? फुल सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। सूडानी भाई ये कह रहे हैं सब्सक्राइब कर दो। मिशकात खान ये देखिए, मिशकात खान ये सब्सक्राइब सब्सक्राइब इश्तराक। ओए होए भाई, पांच पेप्सी आ चुकी है, ब्रोस्ट आ चुका है माशाल्लाह। कितने ब्रोस्ट हैं? खमसा ब्रोस्ट का है, खमसा एक दो तीन चार पाँच। हाँ सही है सही है सही है, शुक्रन शुक्रन। हाँ डाल दो गार्लिक सॉस, हाँ डालो 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 डालो, ये बात। चले भाई माशाल्लाह, अलबेक ही अलबेक। ओए ओए नाम नाम आना आना आना, हाजा ये मैं हूँ। चैनल का नाम मिशकात खान भाई, मेरे सब्सक्राइबर टाइड वाले बढ़ रहे हैं, मतलब हर बंदा बोल रहा है चैनल का नाम डालो यहाँ पर। MISHKAT। क्या चीज? मालिक सोना दुकान, सोना है, सोने की दुकान। अरे माशाल्लाह बात सुनार सुनार, बेचता नहीं है, बेचता नहीं है। चले भाई भाईजान भाईजान भाईजान, अलबेक 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 भाईजान, इसके अंदर ना फुल खजाना आ चुका है हमारा, अलबेक का खजाना। और अल्लाह करे चोरी ना हो जाए यार बस। माशाल्लाह से भाई अलबेक हमारा आ चुका है, और जो इसके साथ सबसे स्पेशल चीज़ है वो है इसका गार्लिक सॉस, जो कि मैंने भर भर के डलवाया। मैंने उसको बोला जितना डाल सकता डाल दे भाई। ये है मुर्गी की रान, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ऐसी तोड़ के खा लूँ? जी जी ऐसी खानी है आपने। पहले सॉस तो लगा, सॉस के साथ डिप करें, सॉस के साथ। अच्छा इसको दबाऊँ ना पहले? डिप तो करें। ओए होए ओए होए ओए होए, इसको पहले मल लेता हूँ सही से ना, सही है? पूरा आपने मेहंदी की तरह मल लिया उसकी। क्या कहते हैं यार माशाल्लाह से इसके अंदर इतना टेस्ट है कि लग रहा है पहले इसको खोला गया है मुर्गी के रान को, और उसके बाद इसमें सॉसेज डाले गए, इसके अंदर जो है ना टेस्ट डाला गया, उसके बाद इसको रैप किया गया, इंजेक्ट किया। अच्छा पहले मुर्गी को टीका लगा दिया जाता है शुरू में ही। ओए होए भाई ये चेक करें आप, इस गोश्त के अंदर इतना टेस्ट है मैं बयान नहीं कर सकता आपको। नहीं करें या शेख पास? पास क्या, टॉप पे, टॉप टॉप पे माशाल्लाह से। नज़ारा भी इतना प्यारा है, ओहद का पहाड़ है, पूरा मदीना दिख रहा है, वो मस्जिद नबी दिख रही है, वो रही मस्जिद नबी भी दिख रही है, और बहुत ही खूबसूरत एक रात है, हवा भी प्यारी चल रही है, और साथ अलबेक है तो क्या बात है भाई। मोहम्मद भाई है ना, ये है असल अरबी, सही है? इसको क्या तरीका होता है सॉस लगाने का, तरीका क्या होता है आप जरा लगा के देखा, क्योंकि आप पीछे से ना मुझे इशारा कर रहे थे कि तुम अनाड़ी हो, मतलब मैं अनाड़ीपन से कर रहा था ना, जरा सॉस लगाने का तरीका बताएं इसमें। ये चीज़ है ठीक है, ये आपने पूरा डाल दिया इसके अंदर, और केचप को मैं पूरा डाल दिया आपने। ओए होए ओए होए ओए होए, बड़ी बाइट लूं सही है? पहले आपसे पे आना पड़ेगा जी। आए आए दिखाएं जरा, ये मैंने इसका जो है वो बेस्ट पीस बताया, और ये भाई क्या टेस्ट आ रहा है, क्या टेस्ट आ रहा है भाई। अलबेक जो है ना बिल्लियों को भी इतना अच्छा लग रहा है, ये भी खाने आ गई। और लायंस यहाँ बिल्लियाँ बिल्लियाँ, वो चेक करें इतनी सारी बिल्लियाँ ये बैठी हुई सारी। बस 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 हो गया, बस खा लिया, बहुत खा लिया, चलो जाओ। है बहुत प्यारी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अलबेक फर्स्ट टाइम ट्राई किया और बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट था। ऐसा टेस्ट मेरे ख्याल से हम लोगों ने नहीं खाया, क्योंकि चिकन के अंदर अंदर जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। बाबर भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कमाल कमाल, मजा आ गया। और दूसरी बात जो असल कमाल है वो ये है कि ओहद पहाड़ पे हमने बैठ के जो यहाँ पर हमने डिनर किया है, जन्नत के पहाड़ पे बैठ के माशाल्लाह मजा आ गया यार। यहाँ पर लोग अक्सर आते हैं, यहाँ पर बैठ के खाना वाना खाते हैं, और अभी आपको एक व्यू दिखाता हूँ मैं, बहुत ही प्यारा मदीने का व्यू, पूरा मदीना शहर यहाँ से दिखता है माशाल्लाह।
भाई रात के 3 बज रहे हैं और मदीने की गलियां बिल्कुल खाली खाली हो गई हैं, और सामने वो मस्जिद नबी का व्यू आ रहा है, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई नींद टाइट वाली आ रही है क्योंकि आज भी हम लोग बहुत ही कम सोए थे। तो भाई मिलते हैं किसी और व्लॉग में, किसी और कंटेंट में। इंशाल्लाह मदीने के और व्लॉग भी आएंगे, मक्का के भी आएंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आपको जो भी व्लॉग आए आपको फौरन से मिल जाए। तो भाई मिलते हैं किसी और व्लॉग में, किसी और कंटेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।